आर्य समाज के संस्थापक प्रखर राष्ट्रवादी एवं महान समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के अवसर पर उनके समाज सुधार कार्यों पर चर्चा की गई और उनके बताए रास्ते पर चलने की बात की गई है। द्रोणा सागर से बने दयानंद सरस्वती आश्रम में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती के मौके पर महिला आर्य समाज ने हवन और पूजा का आयोजन किया और महर्षि दयानंद सरस्वती के समाज सुधार कार्यों पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा वह एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने लोगों को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। इस दौरान आर्य समाज के प्रधान प्रेम कुमार गुप्ता ने वेदों की तरफ लोटों का यही नारा लगाया है। उन्होंने कर्म सिद्धांत, पूर्ण जन्म तथा संन्यास को अपने दर्शन का स्तंभ बताया। अब हम लोग जो है महर्षि दयानंद जिन्होंने अपना जीवन पूरा जो है राष्ट्र को समर्पित कर दिया और विशेष रूप से आर्य संस्कृति को बढ़ाने के लिए कि हम लोग मूलतः है तो आर्य, सब हम पैदा ही आर्य हुए हैं, लेकिन कुछ विधर्मियों ने बीच में हमारी इस आर्य जो हमारा सनातन संस्कृति थी इसको बहुत यानी गर्त में ले जाने का प्रयास किया। अब हम लोग जो हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, आर्य समाज जो है अपनी तरफ से पूरी ये प्रयास कर रहा है कि हमारी वैदिक सनातन संस्कृति पुनः जो है वो जागृत हो और हम लोग उनके बनाए हुए नियम पर जो है चले और राष्ट्र को जो है हम ऊपर उठाएं। हमारे मध्य जो है किसी किस्म का जातिगत जो है वो ना हो, क्योंकि जाति कुछ नहीं होती, हम लोग सब आ रहे हैं। हम लोग जो है किसी भी जाति से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम लोग तो भारत के अंदर रहने वाला हर आदमी आ रहा है। तो उनकी इस संस्कृति को जीवित रखने के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। आर्य समाज काशीपुर ने एक विशेष रूप से आज 11 फरवरी को एक का आयोजन किया है और हमें इस बात की खुशी है कि काशीपुर के काफ़ी आर्यजन जो कि जिन्होंने किन्ने इससे आर्य उससे अपना एक तरह से अपने को अलग कर लिया था, वो लोग भी जुड़े। आज भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से और महर्षि दयानंद द्वारा दिखाए गए मार्ग को दृष्टिगत रखते हुए वो लोग जो है यहाँ सम्मिलित हुए और एक हमारा एक सफल आयोजन हुआ। उसके बाद प्रसाद और हम अपने इस प्रसाद के बाद जो है यज्ञ के बाद हमने जो है प्रसाद का यहाँ वो किया, आयोजन किया, जिसको सब लोगों ने ग्रहण किया और हम जो है पूरे अपने आर्य बंधुओं के बहुत बहुत जो है आभारी हैं कि उन लोगों ने अपना समय निकाला और सनातन संस्कृति के प्रति जो है जागरूकता दिखाई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।